14 टोटल 14 ऐसी वेबसाइट्स जो मैंने खुद रिव्यू की और चेक किया, और फिर उसके बाद आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूं बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स टू गेट वर्क। आप इसे बहुत से उन्होंने मुझे ये मैसेज किया है कि ऐसी वेबसाइट्स में बताऊं जो कि कैटेगरी वाइज और प्रोफेशन वाइज फ्रीलांस वर्क में डिवाइड कर सकते हो, तो मैं आज आपके लिए इस वीडियो में वही सारी वेबसाइट्स लेकर आई हूँ। हाय, मैं हूँ आकांक्षा। मैं एक ऑडियो वीडियो फ्रीलांसर हूँ। ऑडियो वीडियो फ्रीलांसर का मतलब होता है मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, साथ में मैं कुछ वीडियोज भी क्रिएट करती हूँ जो कि क्लाइंट के हिसाब से होते हैं, लाइक यूट्यूब वीडियोज, उनकी वेबसाइट पर जाने वाले वीडियोज, उनके लिए ट्यूटोरियल वीडियोज। तो इस तरह से ऑडियो वीडियो फ्रीलांसिंग काम में बहुत सारा करती हूँ, एंड प्लस मैं काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्रिएटिव कैंपेन्स, इस तरह के मार्केटिंग कैंपेन्स, ये भी डिज़ाइन करती हूँ क्लाइंट्स के लिए। अब आपका फील्ड कोई सा भी हो सकता है, वो चाहे राइटिंग का हो, कॉपी राइटिंग का हो, या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, या फिर कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड आपका स्किल हो, हर तरह के स्किल के लिए यू नो व्हाट द गुड न्यूज़ इज़ कि आजकल कोई ना कोई वेबसाइट है जो कि फ्रीलांस जॉब्स प्रोवाइड कराती है। फ्रीलांस जॉब का मतलब ये हुआ कि आप वन टाइम जॉब भी आपको मिल सकता है, कोई ऐसा क्लाइंट भी मिल सकता है जो आपको एज अ फ्रीलांसर हायर करे और आपसे रेगुलरली अपने टास्क कराए। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं इंडिया के बाहर की जो इंडिया से फ्रीलांसर्स को ऑन जॉब हायर करती हैं, यानी कि आप उनके लिए पूरे 8 घंटे काम करते हैं और वो प्रॉपरली आपको महीने की सैलरी देती हैं। इट्स जस्ट दैट वो आपको एज अ फ्रीलांसर इसलिए अपॉइंट करती हैं बिकॉज अगर वो आपको पेरोल पे हायर करेंगी तो उनको आपको मेडिकल लीव्स और जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बेनिफिट होते हैं पेरोल के, वो भी देने पड़ेंगे, तो इसलिए वो फ्रीलांसर्स हायर करना पसंद करते हैं। या आपके ऊपर है कि आप कैसे काम करना चाहेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ही अमेजिंग वेबसाइट्स, खासकर जो आपके प्रोफेशन और स्किल के बेस पर हैं, तो वो आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सी वेबसाइट आपके स्किल के लिए काम आएगी। नंबर वन वेबसाइट है freelancer.com। मैंने यहाँ पर लिखी हुई है तो मैं थोड़ा सा देख देख के भी आपको बताऊंगी। अब आप कहिए freelancer.com तो हमने सबने सुनी हुई है। एग्जैक्टली, freelancer.com एक्चुअली में इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रीलांसिंग वेबसाइट, काफ़ी टाइम से एग्जिस्टेंस में है। मैं आपको क्विकली ये बता देती हूँ कि इस पर सब तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वॉइस ओवर, वीडियो प्रोडक्शन, UI, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, हर तरह के जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ तो बड़े ही अनोखे किस्म के जॉब्स फ्रीलांसिंग के यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपने कीवर्ड के हिसाब से सर्च कीजिए। इस वेबसाइट का फ़ायदा क्या है, इसकी मेंबरशिप फीस बहुत कम है। इंडियन करेंसी में अगर आपको बताऊं तो कुछ 70 रुपये महीना इसकी मेंबरशिप फी है। आप पूरे साल भर की मेंबरशिप फीस भी ले सकते हैं जिसमें ये आपको हर महीने की 15 bids देते हैं और उन 15 bids से आप अलग अलग प्रोजेक्ट पे बिडिंग कर सकते हैं। ये इसका फायदा हुआ। सेकेंड वेबसाइट मैं आपको बताती हूँ guru.com। वंस अगेन guru.com पर भी हर तरह की कैटेगरी के जॉब्स अवेलेबल हैं, मतलब जितनी फ्रीलांसिंग के जॉब्स आप सोच सकते हैं वो सब guru.com पर अवेलेबल हैं। इसकी वेबसाइट का मैं आपको बताती हूँ, इनकी मेंबरशिप फीस ठीक ठाक है, बस इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो क्रेडिट कार्ड से ये आपसे एक ट्रांजैक्शन करेंगे और फिर आपका अकाउंट वेरीफाई करते हैं। दूसरी चीज़, ये आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए बोलते हैं, जो आपको करनी होती हैं तब आपका अकाउंट वेरीफाई होता है। guru.com, once again जैसा मैंने कहा, इस पे हर तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं और बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है फ्रीलांस जॉब्स के लिए भी। और अगर आप रिमोट जॉब्स ढूंढ रहे हैं, यानी कि एज अ जॉब ढूंढ रहे हैं जो कि प्रॉपरली लाइक 10 to 6 होता है और मंथली आपको सैलरी मिलती है, ऐसे रिमोट जॉब स्पेस पे अवेलेबल है। थर्ड वेबसाइट जो है 99designs.com। 99designs.com एक्चुअली विस्टा प्रिंट की ही ये वेबसाइट है। विस्टा प्रिंट जो कि टी शर्ट्स प्रिंट करते हैं, स्टेशनरी प्रिंट करते हैं, और टी शर्ट्स, इसके अलावा डायरीज, ये सारी चीज़ें जो प्रिंट करते हैं, विस्टा प्रिंट ये उनकी वेबसाइट है। इसके लिए इसमें जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, क्रिएटिव डिज़ाइनर हैं, लोगो डिज़ाइनर हैं, मतलब आप किसी भी तरह के डिज़ाइनर हैं जो ब्रांड्स की, उनकी जो ब्रांडिंग होती है, उनकी जो स्टेशनरी होती है, यानी कि जो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी होती है, अगर वो डिज़ाइन करने का काम आप करते हैं, देन 99designs.com इज़ फॉर यू। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है
कि वहां पे आपको क्लाइंट मिलेगा, और दूसरा क्लाइंट का जो काम है वो आउटसोर्स कैसे कराना है, उसके लिए विस्टा प्रिंट ऑलरेडी है, तो आपको क्लाइंट का काम कंप्लीट आउटसोर्स करा के कैसे देना है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वेबसाइट इज पीपल पर आवर। पीपल पर आवर जो है इसके राइटिंग जॉब्स जो हैं, एसईओ रिलेटेड जॉब्स, वेब डेवलपमेंट जॉब्स, ये पीपल पर आवर पे आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये अच्छी बात ही होती है कि जितने बडिंग, अगर आप बिल्कुल नए नए फ्रीलांसर हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छी है, पीपल पर आवर इसका नाम है। दूसरी बात यह है कि ये वही क्लाइंट्स ऑन बोर्ड लेते हैं जिन्होंने अपना पेमेंट दे दिया होता है, यानी कि जिन क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट लॉक करा दिया है। इससे फायदा ये होता है कि कई बार क्लाइंट जो है काम हो जाने के बाद किसी भी तरह का डिस्प्यूट लेकर आपको पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका पेमेंट सिक्योर रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं वेबसाइट विच इज अ फिफ्थ नंबर वेबसाइट इज आउटसोर्सली। आउटसोर्सली के फायदे ये हैं कि यहां पर आपको ज्यादातर ऐसे फ्रीलांस जॉब मिलेंगे जो कि लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो अगर आप यू नो जॉब काइंड ऑफ फ्रीलांस वर्क ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको हफ्ते के 5 दिन काम करना है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 6 महीने का है, तो आप आउटसोर्सली ट्राई कर सकते हैं। इसका फायदा मैं आपको बताती हूँ कि इस पर कोई कमीशन नहीं होता, यानी कि जैसे freelancing.com है, guru.com है, इन पे 20%, 30% डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है, आपको एक कमीशन देना होता है, लेकिन इस पे कोई कमीशन नहीं होता है। दूसरी बात, इस पे रिमोट कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि आप इंडिया में हैं, आपका क्लाइंट US में है और उन्हें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो रिमोटली उनके लिए काम करे बट एज अ जॉब काम करे, तो वो जॉब्स भी इस पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सर्विसकेप। सर्विसकेप उन सभी फ्रीलांसर्स के लिए एक अच्छी वेबसाइट है जो कि राइटिंग, ट्रांसलेशन और एडिटोरियल के जॉब्स में है, यानी कि बहुत से लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि हम ये स्पेसिफिक हमारा स्किल है तो हम किस वेबसाइट पर काम ढूंढें। तो जैसे अगर राइटिंग है, एडिटोरियल, एसईओ, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कोई सभी राइटिंग से रिलेटेड काम है आपका, तो सर्विसकेप ये वेबसाइट आपके लिए है। नेक्स्ट वेबसाइट विच इज अ 7 नंबर वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम है टॉप टेल। आपको इस वेबसाइट की खासियत ये बताती हूं कि इस वेबसाइट पे सिर्फ 3% ऑफ द स्किल्ड फ्रीलांसर्स को ही अपना वेरिफाइड अकाउंट बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस वेबसाइट का नाम ही ये है टॉप टैलेंट। इनका फिलॉसफी ये है कि ये किसी भी फील्ड में जो टॉप 3% स्किल्ड फ्रीलांसर हैं उन्हीं को ये अपने वेबसाइट पर अकाउंट बनाने देते हैं, उन्हीं का अकाउंट वेरीफाई होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, कम से कम 10, 12, 15 साल का आपको एक्सपीरियंस है और अब आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, देन दिस वेबसाइट इज फॉर यू। और जैसा मैंने आपको बताया, इनकी जो मेंबरशिप फीस है वो भी थोड़ी सी हाई है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि आप वो टॉप 3 में क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके पास एक सेट पोर्टफोलियो आपका है, तैयार है, बिल्कुल सैंपल्स आपके पास रेडी हैं और आप सब अपलोड कर सकते हैं, देन टॉप टेल इज फॉर यू। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रूलांसर। ट्रूलांसर ये वेबसाइट वंस अगेन मोर और लेस राइटिंग और डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क के लिए है। एसईओ, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग जिसमें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होता है, डिजाइनिंग जैसे कि यूआई डिजाइन, यूएक्स डिजाइन या फिर मार्केटिंग, इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको जॉब्स चाहिए तो आप truelancer.com ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट विच आई विल से इज फाइवर। अब आप कहेंगे फाइवर तो हम जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप ये नहीं जानते हैं कि ये वेबसाइट ज्यादातर बडिंग जो बहुत ही इनिशियली जिन्होंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू की होती है ना, उनके लिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। इस वेबसाइट का माइनस पॉइंट बस मुझे यही लगता है कि वेबसाइट की टैगलाइन ही है freelancer@$5, मतलब जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। $5 की रेट किसी भी फ्रीलांसर के लिए बहुत लो रेट है। तो आप बस इसका फायदा ही उठा सकते हैं कि अगर आप ग्रोइंग बडिंग फ्रीलांसर हैं तो आप फाइवर पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको बनाना चाहिए। फाइवर की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि यहां पर ऐसे भी जॉब्स आते हैं जिनके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए होता है। जैसे कुछ लोग $10 में आपसे अपना इंस्टाग्राम का बायो लिखवाना चाहेंगे, अपने डेटिंग ऐप का बायो लिखवाना चाहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे कैप्शंस लिखने में आप बहुत होशियार हैं तो फिर आपको अपना प्रोफाइल इस पे बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपवर्क। अपवर्क इज वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट। इससे मैंने काफी सारा फ्रीलांसिंग काम किया है और कर रही हूँ।
नंबर वन, अपवर्क की खासियत यह है कि ये दोनों ही तरह के फ्रीलांसर, यानी कि जो कि अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और दूसरा जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं या उन्हें 2-3 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए, दोनों के लिए एक परफेक्ट वेबसाइट है। दूसरी चीज, इस पे काफी सारी कैटेगरीज के आपको जॉब्स मिलेंगे, रिमोट जॉब्स भी मिलेंगे, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट बेसिस जॉब्स भी मिलेंगे। तीसरी अच्छी बात यह है इस वेबसाइट की कि इसमें मेंबरशिप तो अवेलेबल है, आप मेंबरशिप अपग्रेड करके इनके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास मेंबरशिप के लिए फिलहाल के लिए बजट नहीं है, नो प्रॉब्लम्स, ये 40 कॉइन्स, क्रेडिट कॉइन्स आपको देते हैं अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करने के। अब सच बात मैं आपको बताऊं, इनके 40 फ्रीलांसिंग कॉइन्स के साथ ही मैं तकरीबन अभी तक कोई 4-5 प्रोजेक्ट कर चुकी हूं अपवर्क से। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इनके किसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं तो आपके कॉइन्स माइनस होते हैं, लेकिन अगर वहां से क्लाइंट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है, यानी कि चैट पे मैसेज करता है, वैसे ही 10 क्रेडिट कॉइन वापस आपके बैलेंस में आ जाते हैं। सो इस तरह से मेरा बैलेंस मेंटेन रहता है। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपका बजट है, तो आप अपग्रेडेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना राइटर एक्सेस, नाम से समझ में आ रहा है, अगर आप राइटिंग से रिलेटेड जॉब्स में हैं तो राइटर एक्सेस। लेकिन दो जॉब और ऐसे हैं जो राइटर एक्सेस पे आपको मिलेंगे। वन इज फोटोग्राफी, अगर आप फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, दिस इज द वेबसाइट फॉर यू। एंड सेकेंड, अगर आप वीडियो का काम करते हैं, राइटर एक्सेस पे भी आपको काफी अच्छा काम मिल सकता है। नेक्स्ट इज यूनो जूनो, YUNO यूनो जूनो JUNO। ये वेबसाइट मेजरली एक्चुअली यूके और यूएस के क्लाइंट्स को केटर करती है, सॉरी सिर्फ यूके के क्लाइंट्स को केटर करती है ये वेबसाइट। ये वेबसाइट पे मैंने भी बहुत ज्यादा कोई रिव्यू नहीं किया है, उसका कारण ये है कि यूके मार्केट का एक प्रॉपर एक्सेंट होता है, क्योंकि मैं एक ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूँ और मैं ब्रिटिश एक्सेंट बहुत परफेक्टली नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने इस वेबसाइट को ज्यादा रिव्यू नहीं किया है। यूके मार्केट से रिलेटेड ये काम करती है, अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जिसमें आप यूके मार्केट को केटर करना चाहते हैं, दिस इज द वेबसाइट फॉर यू। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये फ्रीलांसर से कमीशन नहीं लेते हैं, तो जो कमीशन है ये क्लाइंट से लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रीलांस राइटिंग गिग्स, यानी कि नाम से समझ में आ रहा है, अगर आप एक राइटिंग के फील्ड में हैं, किसी भी तरह की राइटिंग हो सकती है, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, तो फ्रीलांस राइटिंग गिग्स इज द फ्रीलांसिंग वेबसाइट। इसकी एक और खासियत मैं आपको बता देती हूँ, ना सिर्फ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं राइटिंग से रिलेटेड, लेकिन अगर एज अ राइटर आप कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्किल ग्रो करना चाहते हैं, ट्रेंड जानना चाहते हैं राइटिंग के, SEO के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, यानी कि खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इनके ब्लॉग्स भी हैं, उन ब्लॉग्स को आप पढ़ सकते हैं, यानी कि राइटर्स को नॉलेज भी देते हैं कि वो कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट आएगी प्रोजेक्ट फॉर हायर। प्रोजेक्ट फॉर हायर वेबसाइट उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग, कोडिंग, कंसल्टेंट और डिजाइन के फील्ड में है। डिजाइन यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग, तो प्रोजेक्ट फॉर हायर इज द वेबसाइट फॉर यू। कितनी सारी वेबसाइट्स बता दी ना मैंने, तकरीबन 13 मिनट हुए हैं मुझे बात करते हुए और मैंने 14 वेबसाइट्स, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आपको बताई हैं। ये सारी वेबसाइट्स के लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड भी कर दिए हैं। फ्रीलांसिंग से जुड़ा हुआ आपका कोई भी अगर सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इसमें, तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, कमेंट में डालिए। मैं इस पर रिसर्च करके, अगर मुझे जानकारी नहीं होगी तो मैं मेरे फ्रीलांसिंग नेटवर्क से, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ जो कि UAE, मिडिल ईस्ट, US, UK से आते हैं, और वहाँ पर फ्रीलांसिंग सिनेरियो इंडिया से भी ज़्यादा है, तो मैं उनसे भी इंफॉर्मेशन लेके आपसे शेयर कर सकती हूँ। Do comment and do like my video and subscribe to my channel.